बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। इस वीडियो के थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस विषय में बात करने जा रहा हूँ। आज से 4 महीने पहले मैंने जब वीडियो डाला था, मोदी वर्सेस राहुल होने वाला है, तो बहुत लोगों ने बड़े विद्रूप करने वाले कमेंट मारे थे। लेकिन आज मेरी ये बात साबित हो गई कि राहुल वर्सेस मोदी होने वाला है 2024 में। आज अगर आप ख्याल करेंगे तो विकल्प क्या है, ये प्रश्न उठना बंद हो चुका है। समय ऐसे ही बदलता है, क्योंकि एक कहावत मुझे बड़ी मुतमईन करती है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही वान। महाभारत के अंत में ये किस्सा है, जब महाभारत खत्म हो चुका था और गोपियों को लेकर अर्जुन जंगल से जा रहे थे, तो वहां भीलों ने अटैक कर दिया था। अर्जुन अर्जुन ठहरे, उन्होंने अपना गांडी उतारा और उन्हें लगा कि इन भीलों को तो मैं एक ही तीर से संभाल लूंगा या खत्म कर दूंगा। लेकिन अर्जुन के बाण वहां किसी काम नहीं आए और उन गोपियों को लूट कर भील चले गए अर्जुन के पास से। आप सोच सकते हैं कि अर्जुन जैसे धनुर्धारी के सामने उन भीलों की चल गई होगी, लेकिन यही हुआ था, चली थी उनकी, क्योंकि अर्जुन का समय खत्म हो गया था। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय होता है, उस समय के बाद उसकी नहीं चलती। और ये बिल्कुल हर व्यक्ति पे लागू होता है। आपने देखा होगा कि जब आदमी वृद्ध हो जाता है, 80 साल का वृद्ध हो जाता है, 85 या 90 साल का वृद्ध हो जाता है, तो वो अरबों खरबों पति ही क्यों ना हो, वो किसी न किसी पे आश्रित हो जाता है। उस वक्त उसकी कोई सुनता नहीं है। हाँ, धन के दम पे सेवा करने वाले कुछ जरूर होते हैं उसके पास, लेकिन वो अकेला हो जाता है। यही शनि का काल है, वृद्धावस्था पर शनि का राज होता है। अकेलापन, हारा हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ, उदास, एकाकित्व, ये सब शनि के लक्षण है और वृद्धावस्था के लक्षण है। तो समय जब गुजर जाता है तो अर्जुन के बाण भी नहीं चलते, ये सबसे सशक्त उदाहरण है। तो पिछले 1 साल से लगभग कुछ वीडियो मैंने बैक टू बैक डाले थे, जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो मैंने डाला था, यात्रा शुरू होने के एक दिन पहले, और मैंने बिल्कुल स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि ये भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी, और वो सफल हुई थी। बहुत से ज्योतिषियों के वीडियो की बाढ़ आ गई थी कि ये यात्रा यहाँ रुक जाएगी, वहां रुक जाएगी, पूरी नहीं होगी। आखिर में एक ज्योतिष ने यात्रा खत्म होने के 15 दिन पहले वीडियो डाला था कि ये यात्रा सफल हो जाएगी, क्योंकि अब उसको दिखने लगा था कि ये यात्रा सफल हो चुकी है। तो समय समय की बात है, अब विकल्प वाली बात खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी बड़ी तेजी से विकल्प बन रहे, और ये बात मैं उनकी कुंडली की दशा अंतरदशा के आधार पर ही कह रहा हूं आपको, कोई व्यक्तिगत विचार मेरे नहीं है। मैंने राहुल गांधी जी की कुंडली का आकलन और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का आकलन, दोनों का आकलन किया, और दोनों की कुंडली के आकलन के अनुसार मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि मोदी जी का समय इस वक्त अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी का समय अच्छा नहीं आने वाला है, ये मई 2021 को मैंने बोल दिया था वीडियो डालकर, जब नरेंद्र मोदी जी की प्रसिद्धि गगनचुंबी आसमान से भी ऊपर थी। ध्यान रहे, उस वक्त तक किसान आंदोलन चल रहा था, किसान बिल वापस नहीं लिए गए थे। हालांकि किसान बिल वापस लिए जाएंगे, इस पर वीडियो मैंने नहीं बनाया था, लेकिन मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को अगर आप देखेंगे तो मैं लगातार बोल रहा था कि किसान आंदोलन सफल होगा और ये तीनों कानून वापस लिए जाएंगे। मेरी बात सुन के उस वक्त लोग हंसते थे, और मैंने ये बात सिर्फ इस बिना पर कही थी, यानी इस बिंदु पे कही थी कि मंगल की महादशा जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की शुरू होगी, इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ जहां उन्होंने तीनों बिल वापस लिए। और आपको मैं बता दूं कि ये डाउनफॉल की जो दशा है, ये 2027 तक चलेगी, अभी खत्म नहीं होने वाली। और मंगल की महादशा तुला लगन की कुंडली के अनुसार और वृश्चिक लगन की कुंडली के अनुसार, दोनों के अनुसार ही
मंगल की ये महादशा उनके लिए फेवरेबल नहीं है। भले ही आप तुला लगन में आश्रय ढूंढ रहे होंगे या वृश्चिक लगन में आश्रय ढूंढ रहे होंगे। राहुल गांधी जी की कुंडली भी तुला लगन की है और राहुल गांधी जी की जो महादशा चल रही है राहु की, वो उत्थान वाली महादशा है। और मई 2024 से राहु में शनि की अंतरदशा उनकी शुरू होने वाली है और ये शनि की अंतरदशा उन्हें सत्ता के साथ जोड़ रही है बहुत मजबूती से। तो यहां मैं आकलन नहीं दे रहा आप लोगों को, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं सिचुएशन जो है। ये सारे वीडियो जो मैंने पिछले एक साल से डाले थे, मोदी जी की कुंडली का आकलन शायद 3 बार मैंने किया था, भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो, अमित शाह का समय अच्छा शुरू होने वाला है दिसंबर 2023 से, ये सारी बातें सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं और उन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग एक एक करके उन सभी वीडियोस को देखें अपनी बात का उत्तर समझने के लिए या सिचुएशन को समझने के लिए। राहुल गांधी वर्सेस मोदी होने जा रहा है 2024 में। जब मैंने ये कहा था तो जो लोग हंस रहे थे उनको जवाब मिल चुका होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस बार लोकसभा के भाषण में भी एग्जैक्ट डाटा इस वक्त मैं नहीं दे पा रहा आपको, लेकिन मोदी जी का भाषण जितने लोगों ने सुना था, राहुल गांधी का भाषण उससे 2.5 गुना ज्यादा लोगों ने सुना था। इसे आप अगर यूं समझे कि 20,000 लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना तो 90,000 लोगों ने राहुल गांधी का भाषण सुना, हालांकि ये संख्या लाखों में है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। पॉपुलैरिटी ग्राफ ऐसे ही चेक किया जाता है और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो अभी भी उंगली उठाते हैं मेरे फलादेश पे, भाई मेरे पतन और किसको कहते हैं? आपके साथ जिसकी कंपटीशन चल रही है उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ रहा है और आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो पतन किसे कहते हैं? नीचे ग्राफ जा रहा है उसी को तो पतन कहते हैं। मैं आज से 2 साल पहले बोल चुका हूं कि मंगल की महादशा मोदी जी के लिए अच्छी नहीं है और इस वक्त वो सामने दिख रही, लेकिन कोई विशेष चश्मा पहने हुए लोगों को अगर नहीं दिख रही है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं। हमारे भारतवर्ष में कहावत है, निंदक नियरे राखिए। मैं समझता हूं कि जब से मैं बोल रहा हूं कि इनकी दशा अच्छी नहीं आ रही है, इसको निंदा के तौर पे ना लेकर सावधानी के तौर पे लेना चाहिए था तो शायद उससे कुछ फायदा हो जाता। या लोगों को भी समझना चाहिए कि मैं कमजोर बिंदु, कमजोर जगह बता रहा हूं, वहां आप उसको मजबूत करने की कोशिश करें, ना कि मेरे पर ही उंगली उठा दें। तो खैर अपनी अपनी मर्जी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपका। मेरी गुजारिश ये है कि राहुल वर्सेस मोदी इस कैप्शन को ध्यान में रखते हुए पिछले एक साल में जितने वीडियो मैंने डाले हैं उन सभी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और उन वीडियोस को आप देखिए, आने वाले समय की तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी लगभग। हालांकि अभी और वीडियो में डालूंगा, नए आकलन भी आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल जो डाले हुए हैं उनको एक बार रिपीट देखिए, तब आपको मेरा नया आने वाला वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।